सबसे पहले मैं आज लॉन्च किए गए सभी 6 डिजिटल इनिशिएटिव्स का मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर आईटी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी संजय गार्डन साहब, उन लोगों की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जो यात्रा देर से शुरू हुई, तेज़ रफ्तार से उस यात्रा को मुकाम तक पहुंचाने में इन लोगों ने सफलता हासिल की है। उद्देश्य एक ही है, शिद्दत से आम जन के जीवन को आसान बनाना, और इसके लिए उन लोगों ने मेहनत किया, प्रयास किया। मैं उनके इस काम की हृदय से सराहना करता हूँ। अभी संचालक महोदय चेंज के बारे में एक शेर पढ़ रहे थे। चेंज जो शब्द है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर मैंने आई, परिवर्तन शब्द अगर हिंदी में मैं कहूँ तो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है जिसे हम मैं कहते हैं। तो परिवर्तन वही कर सकता है जो खुद परिवर्तित है। केवल दूसरे में परिवर्तन की बात जो करता है, उसने न कभी दुनिया में न समाज में कभी परिवर्तन किया है, न कभी कर सकता है। तो ये जो परिवर्तन हुए हैं उसमें सबका यकीन था, कन्विक्शन था, इसके कारण ये परिवर्तन हो सके। अब जो बातें कह दी गई हैं मुझे लगता है कि उसे दोहराने की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ। केवल ये पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की जो 300 सर्विसेज आज ऑटो अपील मोड में हो गई हैं, मुझे लगता है कि इसको आप समझिए। मेहता जी ने थोड़ा बताया, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में जो सेवाएं हैं उसकी समय सीमा जो निर्धारित है 15 दिन या 1 महीना, उसमें अगर सेवा नहीं मिली तो नेक्स्ट डे वो ऑटोमेटिकली एस्केलेट करके ऊपर के ऑफिसर के पास जाएगी और उसी क्षण जिनको सेवा देनी थी उन पर फाइनेंशियल पेनाल्टी लग जाएगी। अब इससे ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो नहीं सकती है, उस दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ चुका है। अब एक दिन किसी दिन मैंने एक भवभूति संस्कृत के बड़े विद्वान हैं, कालिदास के बाद मैं समझता हूँ कि देश और दुनिया में सबसे बड़े विद्वान भवभूति हुए। संस्कृत का एक बड़ा भारी महत्वपूर्ण महाकाव्य उन्होंने लिखा, उनके बारे में कहावत है, वो सुना करके मैं बात बढ़ाऊँगा। जब वो बचपन में अपने गांव में पढ़ते थे तो गांव में नहीं, अगल बगल के इलाके में बड़ी प्रतिष्ठा थी उनकी, बड़े मेधावी विद्यार्थी हैं। और जब वो पढ़ करके आते थे तो उनके पिताजी रोज डांट लगाते थे, पढ़ता नहीं है, बहुत बदमाश है। तो बेचारे बहुत परेशान हुए कि मैं इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूँ, स्कूल में फर्स्ट आ रहा हूँ, पूरे इलाके में मेरी शोहरत है और मेरे बाप जो है मुझे रोज़ डांटते हैं। तो उन्होंने तय किया कि आज अपने पिताजी का मर्डर कर देता हूँ। तो कच्चा घर था, रसोई घर में माता जी उनको खाना खिलाने के लिए बैठी थी और ये बाहर हथियार लेकर के तैयारी में थे, फावड़ा लेकर के, कि निकलेंगे और आज काम ख़त्म कर देंगे। तो माताजी ने उनसे पूछा, भाई आप, हम लोगों का बेटा इतना पढ़ाई लिखाई में अच्छा कर रहा है और पूरे इलाके में प्रतिष्ठा है, अपने स्कूल कॉलेज में फर्स्ट आता है, फिर आप क्यों डांटते रहते हैं? तो उनका भाई इस डांट का ही परिणाम है कि वो स्कूल में फर्स्ट आया, पूरी एरिया में उसका नाम हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि और अच्छा करे। जब बाहर वो निकले तो भवभूत उनके पैर पर पैर पकड़ के कहे, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे मन में एक दुर्भावना आ गई थी, मैं ये नहीं समझता था कि आप मेरे भले के लिए ये सब कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं है, पिता थे, माफ़ कर दिया। तो भवभूत ने कहा, नहीं साहब, इससे काम नहीं चलेगा, मुझे आप सजा दीजिए। तो सजा उनको दी गई कि ससुराल में जाइए और बकरी चराइए। मैंने कोई ससुराल जाए और बकरी चराए, इससे बड़ी बेइज्जती कुछ हो नहीं सकती। वहीं जा करके दुनिया का, मैंने अभियान शाकुंतलम के बाद सबसे बड़ा महाकाव्य जो संस्कृत का है वो भवभूत ने, तब यहाँ तक तो हम पहुँच गए। मुझे लगता है मेरा काम अब यहाँ से शुरू होता है, इसके आगे क्या करना है। क्यों गार्डन साहब, जो बातें दोहराई गई हैं मुझे लगता है कि उसको दोहराने से कोई लाभ नहीं है। जो चेंजिंग J&K की स्टोरी है, ये परफेक्टली अनसेल्फिश आइडिया रही है। ये
has the better scope to succeed, and that is digital JNK with the idea of technology should reach to all beyond far-flung over aged social and economic barrier. पहले क्या किया हम लोगों ने, पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज किया. इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग कॉन्सेंसस व्हाट टू डू, इट शुड बी कॉन्सेंसस बेस्ड ऑन व्हाई नॉट टू डू डिजिटली. और तब जो प्रक्रिया अख्तियार की गई, फास्ट मूविंग टेक्नोलॉजी स्पेस इन द लाइन विद पब्लिक एक्सपेक्टेशन एंड टू एंगेज पब्लिक for all good cause and soften G2C government to citizen, instilling a sense of hope and belief that nothing is discretionary, who apply which group, which religion, which color, gender, economic background, it does not matter how big you are, how small you are, extraordinary or ordinary, large or how स्टार्टअप, इट इज जे एन के फैब्रिक. डिजिटल जे एन के हैज़ गिवन मैनी यूनिक एंड इनक्रेडिबल डिजिटल फर्स्ट एक्सपीरियंसेस. इन कमिंग टाइम्स द आउटकम ऑफ वुड बी साइटेड एज द बेस्ट एंड लीडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एज पार्ट ऑफ डिजिटल जे एन के फॉर जम्मू एंड कश्मीर, फिगरिंग वेरी वेल, कैचिंग फास्ट विद अदर्स डेवलप्ड पार्ट ऑफ द कंट्री. अब मुझे लगता है कि आगे हमें क्या करना है. अभी हम लोग यात्रा के मध्य में, डिजिटल जेएनके इज इन द मिडल ऑफ जर्नी. वी हैव अटेन्ड फंक्शनल स्केल, नाउ टाइम इज फॉर पॉपुलेशन स्केल. नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट इट. एंड नेक्स्ट इज big transformational scale. The need is to use technology massively and further enhance the UT systems based on underlying principles of digital born JNK 2.0. Now JNK 1.0 we have completed. In short, the continuity and the momentum may be retained for finishing touch and sustaining initiatives in the larger public cause. कल का जम्मू एंड कश्मीर, साइबर तहसील, अर्बन सर्विलांस, ऑटोमेशन इन बिल्डिंग परमिशन, साइबर गिरदवारी, टूरिस्ट फ्रेंडली टू डील हाई इन्फ्लक्स, फेसलेस प्रोसेसिंग सेंटर, ड्रोन बेस्ड सिक्योरिटी, इमरजेंसी कॉल, वर्चुअल इंस्पेक्शन, डिजिटल DPR एंड डिजिटल scrutiny engine, netizen friendly UT, tourist centric Wi-Fi, public Wi-Fi, voice based modern and lightweighted forms, implementation of vision document, address local needs by using global ideas and technology, logical interoperable systems like home, revenue and courts, simplified and secured access, you and your QR code, no login. We have to reach there, that is the digital JNK 2.0. UT digital data exchange with privacy and consent based use. Sumoto services by the government with inbuilt layer of identity, entitlements, universal verification and ask once. Governance of e-governance ecosystem including underlying high performance digital infrastructure. Continue to reform, perform and inform. Multidisciplinary ecosystem for supporting sectors. Focus on user centric design, common form, no room for disjoints. Making people partner in growth, not just beneficiaries. Job seekers to job creators, leave the job to give the jobs. मुझे लगता है कि यात्रा के मध्य से अब एक नई यात्रा आज हम शुरू करें और इसका हम संकल्प लेकर के इस सभागार से जाएं और इस लक्ष्य को जिस दिन हम प्राप्त करेंगे, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से देश में कई क्षेत्रों में हम नंबर एक हैं, इस क्षेत्र में भी
भले आईटी हब बेंगलोर हो, लेकिन ई गवर्नेंस का हब जम्मू कश्मीर बनेगा। जम्मू कश्मीर के आम नागरिक को टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सबसे ताकतवर बनाएंगे, सबसे ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाएंगे। आज मैं यही निवेदन करके और दो बातें कह करके, मुझे लगता है कि आज हम 12 अगस्त को खड़े हैं। ठीक दो दिन बाद, तीन दिन बाद हम देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। सभागार में उपस्थित या जिन लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है, उनसे मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि अवसर कम मिलता है लोगों को ऐसे कार्यक्रमों में शरीक होने का। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप श्रीनगर में रहते हों, जम्मू कश्मीर के किसी हिस्से में रहते हों, बढ़ चढ़ करके आपकी भागीदारी मेरा माटी देश हो, तिरंगा यात्रा हो या स्वतंत्रता दिवस के बाकी कार्यक्रम, उसमें निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से निवेदन है। कई लोग कह रहे हैं कि साहब बदला क्या है। मैं बहुत छोटी छोटी बात बताता हूँ, बदला क्या है। स्ट्रीट वायलेंस जम्मू कश्मीर में इतिहास की बात हो गई, ये सबसे बड़ा बदलाव है। ये सामान्य बात नहीं है। आतंकवादी अलगावादी संगठन और पाकिस्तान के इशारे पर 150 दिन बंद होते थे स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, ट्रेड, वो भी इतिहास की बात हो गई। आम आदमी किसी के डिक्टेट पर नहीं, अपनी मर्जी से अब जम्मू कश्मीर में जी रहा है, ये भी मैं समझता हूँ कि बड़ी उपलब्धि है। अंधेरा होता था, उसके पहले घर में पहुँच जाना है। अब 11 बजे रात को झेलम के किनारे गिटार बजाते हुए, आइसक्रीम खाते हुए नौजवान श्रीनगर के यूरोप के बाकी शहरों की तरह गीत गुनगुना रहे हैं। ये बदलाव हुआ है और ये सामान्य बदलाव नहीं है। और इसमें नुकसान किसका था? मैं बार बार कहता हूँ कि एक नए प्रकार की इकानमी जम्मू कश्मीर में पैदा कर दी गई थी कुछ लोगों के द्वारा। मेहता जी ने विस्तार से बताया है कि GST में हमारी ग्रोथ क्या है, टैक्स कलेक्शन हमारा कितना बड़ा है, इकानमी हमारी कैसी है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान कॉमन मैन और गरीब आदमी का होता था। 1,88,00,000 लोग पिछले साल आए, किसके चेहरे पर खुशी आई है? ऑटो चलाने वाले के चेहरे पर खुशी आई है। जो टैक्सी चलाता है उसके परिवार में समय से रोटी मिली, उसके बच्चे को फीस मिल रही है और कपड़ा मिल रहा है। छोटे होटल वाले, रेहड़ी वाले, रेस्टोरेंट वाले आज सब खुशहाल हैं। कॉमन मैन खुशहाल है, गरीब आदमी खुशहाल है। एक ऐसी इकॉनमी बन गई थी, ऐसे लोग थे जो, मैं कॉन्फ्लिक्ट इकॉनमी ही नहीं कहता हूँ बल्कि इस अशांति के प्रोफेटियर के प्रॉफिट लेने वाले लोग थे, यही उनका व्यवसाय था। वो उनसे भी बात करते थे, उनका काम चल जाता था, लेकिन गरीब आदमी किस दुर्दशा में रहता था। मैं समझता हूँ कि ये सब आपने महसूस किया है। मैं तो अभी 3 साल से हूँ, आप पिछले 30 सालों से इस दुर्दशा को झेल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी दुनिया के किसी इलाके में अगर शांति स्थापित हुई है तभी विकास हुआ है, और जम्मू कश्मीर इसका अपवाद नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने गुमराह करके यहाँ के नौजवानों को गलत रास्ते पर ले जाने का काम किया, जिनके हाथ अभी भी निर्दोष लोगों के खून से सने हुए हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया। अब जम्मू कश्मीर का नौजवान भी देश नहीं, दुनिया के नौजवानों की तरह उसकी आकांक्षा, उसकी अपेक्षा हिलोरे मार रही है। और मैं जानता हूँ यहाँ के नौजवान में, यहाँ की बच्चियों में जो टैलेंट है, शायद देश नहीं दुनिया के बहुत कम देशों में टैलेंट देखने को मिलेगा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आइए इस बदलते जम्मू कश्मीर में, अगर 25 साल बाद हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो विकसित भारत में जम्मू कश्मीर का योगदान किसी राज्य से कम नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा योगदान जम्मू कश्मीर का हो वो आपके भरोसे हो सकता है। इतना ही निवेदन करके और एक बात का भरोसा आपको देते हुए, मैंने बार बार कहा है कि नीति बड़ी स्पष्ट है हमारी, बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। बेगुनाह आदमी को कभी कोई तंग करे, ये जम्मू कश्मीर का प्रशासन न चाहता है न होने देगा। अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं किसी बेगुनाह आदमी के साथ ज्यादती हो रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं किसी समय दिन रात कभी भी आप बताइए, मैं आपको सुनिश्चित रूप से भरोसा देता हूं कि किसी बेगुनाह को तंग नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर गुनाहगार को कोई शरण देगा तो उसे बचाया भी नहीं जाएगा, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। मैं आप सब नौजवान मित्रों से कहना चाहता हूं, आइए
ये विकसित जम्मू कश्मीर बनाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन, आप सब मिलकर के एक साथ आगे बढ़ें। और हम आभारी हैं भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मुक्त हस्त से जम्मू कश्मीर के विकास के लिए धन भी दिया है। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है या बाकी चीज़ों में बदलाव आ रहा है, निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर की चिंता की, मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर का भविष्य सुनहरा है। जम्मू कश्मीर निश्चित रूप से पुराने काल में मुकुटमणि था, शारदापीठ था, और आने वाले दिनों में भी भारत का मुकुटमणि जम्मू कश्मीर रहेगा और ज्ञान का केंद्र जम्मू कश्मीर बनेगा। इतनी बात कह के मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, अपने आईटी डिपार्टमेंट के सभी साथियों की सराहना करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।